अली जनाब, जनाब मंसूर आगा साहब, वाइस चेयरमैन उर्दू अकेडमी, दिल्ली उर्दू अकेडमी, जनाब हाजी ताज महमूद साहब, हमारे दोस्त मेंबर उर्दू अकेडमी जनाब जावेद साहब और अजीज रिसर्च स्कॉलर्स तलबा व तालिबात और इस हॉल में तशरीफ़ फरमा दीगर तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके तकरीबन 2.5-3 साल के वक्फे के बाद ज़िंदगी फिर से मामूल पर लौट रही है और ये जो 5 रोज़ा अदवी इजतमा है उर्दू अकेडमी की जानिब से जिसका इनेकाद किया गया है उसकी एक ज़िंदा मिसाल है कि फिर से वो सरगर्मियाँ जो अब तक मौकूफ़ थी कोरोना की वजह से वो शुरू हो रही है। मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ चेयरमैन वाइस चेयरमैन साहब को कि उन्होंने इस सिलसिले में मैं हर मकाले पर गुफ्तगू नहीं करूंगा। अभी मोहतरम मंसूर आगा साहब ने फरमाया कि इन नौजवानों के मकाले को सुनकर ऐसा लगा कि उर्दू का मुस्तकबिल महफूज है। माफ़ कीजिएगा, मैं इससे 100% इत्तफाक नहीं रखता। मैं उर्दू का एक तालिब इल्म हूँ, एक इदारे से वाबस्ता हूँ, ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी दश्त की सयाही में गुजरा है। यकीनन मुबारकबाद में पेश करना चाहूँगा अपने उन तमाम रिसर्च स्कॉलर्स को जिन्होंने मुख्तलिफ मौजूदात पर अपने मकाले पेश किए, लेकिन जो अहले नज़र हैं इस जलसागाह में बैठे हुए उन्होंने महसूस किया होगा कि हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप तालीम व तहकीक की उस मंजिल पर खड़े हैं जहाँ आपकी हैसियत एक इस्लाहकार की है, मुसलह की है। आप मामूली तालिब इल्म नहीं हैं, आप रिसर्च स्कॉलर्स हैं, आप मुहक्किक हैं, आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने दिल से पूछिए कि क्या वाकई आपने उस हक को अदा किया है अपने मकालों में। मैं कतई मुतमईन नहीं हूँ। 4-5-10 मकाले पढ़े गए, इसमें से अगर आप तलाश कर लें तो शायद 2-3 मकाले ऐसे ज़रूर थे जो किसी हद तक बेहतर मकाले कहे जा सकते हैं। उनके अलावा बेशतर मकाले वो थे जो बिलो स्टैंडर्ड थे। हम आपसे इस मंजिल पे बिलो स्टैंडर्ड मकाले की तवक्को नहीं करते। हमारी तवक्कात कुछ और हैं और ये बेजा तवक्कात नहीं है। मैंने अर्ज किया कि आप जिस मंजिल पे हैं इस वक्त तहकीक कर रहे हैं, आप आला तरीन डिग्री की जो सतह हो सकती है तालीमी तहकीकी, आप वहाँ खड़े हैं। कल होकर आप डॉक्टर होंगे, डॉक्टरेट की डिग्री आपके पास होगी, आप सनद होंगे, आप मायार होंगे, आपकी मिसालें दी जाएंगी, आपकी तहरीरों की, आपकी तकरीरों की मिसालें दी जाएंगी कि मैंने ये गुफ्तगू
पहला डॉक्टर से उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी है। इस लफ्ज का तलफ्ज मैंने फलां डॉक्टरेट से, डॉक्टरेट की डिग्री होल्डर से इस तरह से सुना है। आप सब समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। बहुत रवारवी में लिखे गए बाज मकाले थे और बहुत रवारवी में पढ़े भी गए, उन मकालात को पढ़ा गया। हम आपसे तवक्को नहीं करते। ये दुरुस्त है कि आप में से बेशतर वो हैं, वो लोग हैं जो बहुत मजबूरी में तहकीक कर रहे हैं, सनदी मजबूरी के तहत, तकाजे के तहत एमफिल करना है, पीएचडी करना है, डिग्री हासिल करनी है। इतनी गुंजाइश है कि हम हर रिसर्च स्कॉलर से तवक्को न करें। सही मैं नहीं कर सकता कि हर रिसर्च स्कॉलर उस मेयार पे पूरा उतर सके, क्योंकि रिसर्च एक खास तरह का जहनी रवैया, एक मैलान रिसर्च जो है वो चाहता है। उस मैलान के बगैर आप उस हक को अदा नहीं कर सकते जिसका तकाजा हम रिसर्च स्कॉलर से करते हैं। और मैं इस बात पे खुश हूँ कि तीन चार मकाले भी जो है, आप जिस तरह से मैंने कहा कि वो कदर मयारी मकाले कहे जा सकते हैं, मेरे खुश होने के लिए, हमारे खुश होने के लिए काफ़ी है। जितने मुहक्किकीन हैं हर दौर में, जाहिर है कि अगर आप माजी में देखें, नज़र डालें माजी पर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर रिसर्च स्कॉलर जो दरसगाहों में, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करने आता है, जाहिर है कि वो सभी काजी अब्दुलवदूद नहीं बन सकते, सभी रशीद हसन खान नहीं बन सकते, सभी मौलवी अब्दुल हक नहीं बन सकते, सभी तनवीर अहमद अलवी नहीं बन सकते। जाहिर है कि वो रमक जिनके अंदर मौजूद है, यकीनन आप ही में से, मैं मुतमईन हूँ इस बात से और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ही में से कल के काजी अब्दुल वदूद भी हैं, आप ही के दरमियान इम्तियाज अली खारशी भी आप ही में से हैं, मौली अब्दुल हक भी आप ही के अंदर पोशीदा हैं, तनवीर अहमद अलवी भी आप ही के अंदर पोशीदा हैं, ज्ञानचंद जैन भी आप ही के अंदर मौजूद हैं, प्रोफेसर गोपीचंद नारायण भी आप ही के अंदर मौजूद, प्रोफेसर मोहम्मद हसन भी आप ही के अंदर हैं, प्रोफेसर कमर रईस भी आप ही के अंदर। कल के जिन अकाबरीन के नाम मैंने लिए, आपके अंदर वो सलाहियतें पोशीदा हैं। यकीनन आप चिराग हैं कल के, ये नए चिराग, पुराने चिराग तो अब अपनी रोशनी बिखेर कर एक खास मंजिल पे आ गए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी। कितनी पूरी की वो भी बहस का मौजू हो सकता है कि उनकी क्या कोताहियां रही, ये अलग बहस का एक मौजू है, लेकिन आप सब चिराग हैं। जिस तरह का अंधेरा बढ़ रहा है, फैल रहा है जैसा अंधेरा, आप ही उस अंधेरे को चैलेंज करने वाले चिराग हैं। आपने देखा होगा रात में बहुत घना अंधेरा होता है, एक चिराग अगर आप रोशन करते हैं, एक मोमबत्ती भी रोशन करते हैं, तो वो अंधेरा उससे खायफ होता है। बहुत घना अंधेरा हो फिर भी एक मोमबत्ती, एक कैंडल, एक चिराग भी उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है। चिराग में बड़ी ताकत है। वह शेर के हवाए तुंद चलाओ कि तुमको कुदरत है, मगर चिराग जलाना हमारी फितरत है। हम वो चिराग हैं, अदब तहजीब दानिश के चिराग। जुबान क्या है? जुबान मजमुआ है इन तमाम खसूसियात को, तहजीब को, सकाफत को, सियासत को, मईशत को, माशरत को, हर चीज को अपने अंदर समेटे हुए है जुबान। अदब उन सब का मजमुआ है। जाहिर है कि मुझे इस बात का अंदाजा है इन चिरागों में वो तमाम कुवतें पोशीदा हैं, अंधेरे को ललकारने की वो तमाम कुवतें पोशीदा हैं, लेकिन उनको और बेहतर शक्ल में
चिरागों की उस लौ को फरोग देने की जरूरत है। मैं इस बात से भी वाकिफ हूं कि चिरागों की ये रोशनी कितनी देर तक अपनी ताबंदगी, जिसे हम कह सकते हैं, अपने अवतार को कायम रख पाएगा, ये चिराग, ये चिराग रख पाएंगे, मैं बहुत मुतमईन इस सूरत हाल से नहीं हूं। और मुझे यकीन है कि सिर्फ मैं ही मुतमईन, गैर मुतमईन, मेरे अंदर ही ये अदम इत्मीनानी नहीं है, बल्कि आपके अंदर भी है। आप भी इसका एतराफ़ करेंगे, आप मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं और न होना चाहिए। है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहाँ, तहकीक ये तकाजा करती है। मुस्तकबिल की राहें आपको खुद ढूंढना है। मुस्तकबिल के रहबर आप हैं, वो राहें आपको बनानी पड़ेंगी। हम उर्दू वालों का जो हाल है वो ये है कि हर रोज खुद कुआं खोदना और अपनी प्यास बुझाना है। हम उस मरहले पर पहुंच गए हैं, मौके सिमटते जा रहे हैं। कहां से आपके अंदर वो जोश व बुलबुला पैदा होगा तहकीक का? मौके सिमट रहे हैं, मुस्तकबिल की जानिब से आप बहुत पुर उम्मीद नहीं है, एक नाउमीदी सी है। मुसाबकत बढ़ती जा रही है, मुकाबला बढ़ता जा रहा है, चैलेंजेस आपके सामने बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर है कि इस सूरत हाल में आपको खुद अपनी राहें बनानी है, मुस्तकबिल की राहें बनानी है। बिल्कुल जनाब मंसूर आगा साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे थे, सहाफत के हवाले से जो कजरवियाँ हैं इस वक्त, जो गुमराहियाँ हैं इस वक्त, सहाफत किसी ज़माने में एक मिशन हुआ करती थी। आपने मौलवी मोहम्मद बाकर का जिक्र किया, शौकिया वो अखबार नहीं निकालते थे, वो शौकिया सहाफ़ी नहीं थे, एक मिशन था, आज़ादी का मिशन, रोशन ज़मीरी का मिशन। कौन लोग दार पर झूलते हैं? रोशन ज़मीरी का चिराग रोशन करने वाले लोग ही हिम्मत रखते हैं दार पर झूलने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शौकी अखबार नहीं निकालते थे, बहुत कुछ दाव पर लगाकर अखबार निकालते थे। सहाफत बहुत ही पुरखतर राह पर चलने का नाम है, एक ऐसा पेशा है जिस राह में आसानियां नहीं है, चैलेंजेस ज्यादा है, आसानियां नहीं। आज जमाने ने, मार्केट ने, बाजार ने हर चीज को तजारत याशिया में तब्दील कर दिया, सहाफत भी तजारत बन गई। जाहिर है कि हकीकत है, हमारे दौर की हकीकत है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जरूरत है कि उस मिशन को असर नौ जिंदा करने की जरूरत है। हम किस हद तक कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ मामला उर्दू का नहीं है, जमहूरियत का ये चौथा सतून जिसे हम कहते हैं वो बाकी नहीं है। इदारे जिनकी जिम्मेदारियां हैं मौके पैदा करने की, वो इदारे खुद से बढ़ते जा रहे हैं, खुद बेख्तियार होते जा रहे हैं, उनके दायरे से मट रहे हैं, ये भी हमारे सामने। दस्तगाहें, दानिशगाहें, यूनिवर्सिटीज, वहाँ भी तालीम का दायरा अब सिमटता जा रहा है, वो भी निशाने पर है। ये एक तरफा मसला नहीं है, ये चैलेंज सिर्फ हम उर्दू वालों के लिए नहीं है, ये पूरी दानिश्वरी के लिए एक चैलेंज है।
पूरी एकेडमिक्स के लिए एक चैलेंज है इस वक्त, उसकी राहें मसदूद की जा रही हैं, मुस्तकिल कोशिशें हो रही हैं। ऐसी सूरत में अगर वह शेर के गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे हैं, अगर हम यहाँ उर्दू के हवाले से, अपनी ज़बान के हवाले से, अपने अदब के हवाले से, इन मुस्तकबिल के चिरागों के हवाले से, जो यहाँ मकाले जिन्होंने पढ़े, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं हमारे, यकीन है आपकी काविशें बहुत अहमियत रखती हैं। इन काविशों को बामानी बनाइए, इन्हीं काविशों से मुस्तकबिल की राहें भी पैदा होंगी, तारीकियों का मुकाबला भी कर पाएंगे और एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर करने में कामयाब हो सकेंगे। मैं ऐसे वक्त में गुफ्तगू कर रहा हूँ जब सब्र आजमा मरला है, ये लंच का वक्त हो चला है, आप सब बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं वाइस चेयरमैन साहब हैं, आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उर्दू अकेडमी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी सरगर्मियों को शुरू किया है और यकीनन आने वाले दिनों में वो तमाम तर सरगर्मियाँ जो हुआ करती थी उर्दू अकेडमी की, वह सही नौ तरतीब दी जाएंगी और उनका इनकार होगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया प्रोफेसर अनवर पाशा साहब। हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर इब्ने कवल साहब, और भी दीगर हजरात यहाँ मौजूद हैं, उनमें शेख रज़ा फ़ातमी साहब, निशा ज़ैदी, साहिल आगा साहब, फलील साहब।